कुदरत का कहर भी जरूरी था, हर कोई खुद को ईश्वर समझ रहा था। कोरोना वायरस हम इंसानों के लिए महामारी जरूर है, लेकिन इस कोरोना वायरस ने पूरे विश्व को क्या दिया है? इस कोरोना वायरस ने मानव जीवन को एक नया मैसेज दिया है, और ये मैसेज ये है कि अगर अभी भी हम नहीं संभले तो प्रकृति आने वाले समय में अपना नया रुद्र अवतार जरूर दिखाएगी। क्या है वो नया रुद्र अवतार, ये समझने के लिए बने रहिए मेरे इस वीडियो में, और मेरे इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा देखिएगा। और हाँ, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर करना मत भूलिएगा। माय यूट्यूब चैनल रश्मि फ्लाई है। कोरोना वायरस की वजह से सिर्फ और सिर्फ हम इंसानों को तकलीफ हो रही है, जानवरों के लिए तो कोरोना वायरस जैसे एक वरदान साबित हो रहा है। ऐसा नहीं है कि कोरोना वायरस से खुशी हो रही है, किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरीके की बीमारी नहीं होनी चाहिए। लेकिन आपने वो कहावत तो सुनी होगी, जियो और जीने दो। ऐसा मैं क्यों कह रही हूं, जब आप मेरा ये पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। 21 दिन के इस लॉकडाउन में एक महीने के अंदर कोरोना वायरस खत्म हो तो जाएगा, आज नहीं तो कल कोरोना वायरस को खत्म होना ही होगा। लेकिन उसके बाद क्या, इस कोरोना वायरस ने पूरे विश्व को क्या दिया? जैसे जैसे कोरोना वायरस फैला है, इसकी मार सबसे ज्यादा नॉनवेज मार्केट पर पड़ी है। गृह मंत्री अमित शाह का तो बयान भी आ गया था कि 1500 से 2000 करोड़ का नुकसान हुआ है। दोस्तों, अगर इकोनॉमिक टाइम्स की 7 मार्च की रिपोर्ट पर गौर करें तो इसमें एक महत्वपूर्ण बयान है। वो बयान ये है कि इस साल यानी कि 2020 के फरवरी मंथ में 70 कंटेनर मीट के एक्सपोर्ट हुए थे, जबकि 2019 के फरवरी मंथ में 240 कंटेनर मीट के एक्सपोर्ट हुए थे। तो आप समझ पा रहे हैं कि इन दोनों सालों के फरवरी मंथ में कितनी भारी गिरावट देखने को मिली है 2020 में, और ये सब हुआ कोरोना वायरस फैलने की वजह से। चीन की एक सिटी है सेंचेज, यहाँ पर कोरोना वायरस के बाद एक कानून लाया जा रहा है। इस कानून के तहत कुत्ते और बिल्ली के मांस भक्षण पर रोक लगाई जाएगी। इसके साथ साथ चाइना में वर्ल्ड लाइफ ट्रेड भी बैन कर दिया गया है। ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, इतिहास गवाह है। अभी अगर हम कुछ वर्षों के ही रिकॉर्ड को उठाकर देख ले तो बर्ड फ्लू, मार्स, जीका जैसे कई वायरस जानवरों से इंसानों में आए। यूनाइटेड नेशन की इन्वायरमेंट चीफ इंगर एडरसन का कहना है कि वी आर प्लेइंग विथ फायर, इसका मतलब है कि हम आग के साथ खेल रहे हैं। जी हाँ, उन्होंने एक न्यूज रिपोर्ट में ये भी समझा दिया गया है कि बार बार कुछ कुछ समय में जो वायरस आ रहे हैं उसकी वजह है वाइल्ड लाइफ, और कैसे आ रहे हैं ये बताने की जरूरत नहीं है। सारांश यह है कि जानवरों का जीवन बच रहा है। 2018 की इंडिया टुडे की रिपोर्ट को गौर करें तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जन्मभूमि में हर 15 मिनट में एक लड़की के साथ बलात्कार या तो दुष्कर्म होता है। लेकिन अभी कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन की स्थिति में अपराध काफी कम हो गए हैं। वायरस फैलने के बाद नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कार्बन एमिशन में भारी गिरावट देखने को मिली है, फैक्ट्रीज बंद है। न्यूयॉर्क तो ऑटोमोबाइल्स का हब माना जाता है, लेकिन वहां भी 5 से 10% की गिरावट देखी गई है CO2 में। उधर की एक मॉनिटरिंग टीम का कहना है कि दिस इज द क्लीनेस्ट आई हैव नेवर सीन इट, इट इज लेस देन हाफ व्हाट वी नॉर्मली सी इन मार्च। जी हाँ, 13 से 18% ग्लोबल वार्मिंग के पीछे इस नॉनवेज मार्केट का बहुत बड़ा हाथ है, और नॉनवेज मार्केट में गिरावट यानी कि हानिकारक ग्रीन हाउस का कम होना, एमिशन का कम होना, ये भी शुद्ध हवा का एक बहुत बड़ा कारण है। लॉकडाउन के दौरान गाड़ियां नहीं चल रही हैं, सब अपने घर में हैं, जिसकी वजह से जो पॉल्यूशन लेवल है वो भी काफी हद तक कम हो गया है। दिल्ली की रिपोर्ट देखें तो हवा शुद्ध हो रही है, आसमान भी साफ है। ये एयर क्वालिटी इंडेक्स को जरा गौर से देखिए, एक हफ्ते का है। नदियां भी अपने आप साफ हो रही है। इटली के वेनिस सिटी में कुछ पानी बहने लग गया है, यानी कि साफ पानी बहने लग गया है। हवा शुद्ध हो रही है, पानी शुद्ध हो रहा है, लग रहा है ये प्रकृति माता ने स्वच्छता अभियान की शुरुआत कर दी है। जी हाँ, मैं कोई मजाक नहीं कर रही हूँ, प्रकृति माता एक्चुअली हमें एक आईना दिखा रही है। धरती माता ने हमें सब कुछ दिया है, रहने को घर दिया है, खाना दिया है, लेकिन सोचने वाली बात है कि हमने ये क्या हाल बना कर रख दिया है। 21 दिन का लॉकडाउन है, हम योगा कर सकते हैं, शुद्ध हवा ले सकते हैं, अपने घरों की छत पर खड़े होकर आसमान में पंछियों के झुंड को एक साथ खेलते हुए चहकते हुए देख सकते हैं। इससे पहले शायद आपने ये नज़ारा नहीं देखा होगा, लेकिन 21 दिन बाद क्या होगा?
कई लोगों को बुरा लगेगा, लेकिन ये सही है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं। एक्चुअल प्रकृति ने हमें चेतावनी दी है और अनेकों बार दी है, सुनामी, भूकंप, क्लाइमेट चेंज, अचानक गर्मी का बढ़ना, अचानक ठंड का बढ़ जाना, जब गर्मी आनी चाहिए उस समय ठंड का होना, अचानक बारिश का हो जाना, ये सब प्रकृति के द्वारा दिए गए संदेश भी है, एक मैसेज है। यह मैसेज ये है कि मुझे परेशान मत करो, लेकिन हम कहाँ सुनने वाले हैं। ये जो भी हो रहा है प्रकृति का मैसेज है कि तू तो कैसे भी जी लेगा, लेकिन तेरी अगली पीढ़ी का क्या? आने वाले भविष्य का सोच, आने वाली पीढ़ी का सोच, उन बेजवान प्राणियों के बारे में भी तो तू कुछ सोच। हमें आज सबको एक सबक की लेने की जरूरत है। कोरोना के बाद अगर बाद में भी वैसे का वैसा रहता है तो प्रकृति एक नया रौद्र अवतार जरूर ले सकती है। इसीलिए सावधान रहे, सचेत रहे, वो गलतियां दोबारा ना दोहराएं। प्लीज 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 स्टे होम, बॉयकॉट नॉन वेज। नमस्ते इंडिया। जय हिंद।